हे गाइस, सो मी अब बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि अपना पिछला वीडियो लास्ट मंथ कुछ आया था, पोटोनिक्स ऑडियो ब्लूटूथ रिसीवर का। तो अगर आपने वो अभी तक देखा नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, और आई बटन में भी वीडियो का लिंक देखा है, तो जाके देखिए अगर आपको परचेज करना है ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर विद इन द बजट। ऑफकोर्स बेस्ट बजट यार, डेफिनेटली। एनी वेज गाइज, तो कमिंग बैक टू द वीडियो, आज के इस वीडियो में जैसे आपने देखा होगा थंबनेल में, बहुत इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग और रिव्यू होने वाला है अपना मोटो G31 का। तो मोटो G31 गाइज अराउंड 5 to 6 months ओल्ड हो चुका है अभी तक, बट फिर भी अभी तक इसके मतलब रेंज में, ये जो अंडर 12,000 के बजट रेंज में आता है उसके रेंज में कोई भी इसको तोड़ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, वो भी अंडर 12,000 के बजट रेंज में। तो डेफिनेट दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो इसको अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे, और इसको ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड ने इसको परचेज किया था, वो 3 months से यूज़ कर रहा है। तो 3 months का यूसेज, लाइक डेली यूसेज और परफॉर्मेंस कैसा है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। एनीवेज गाइस, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो एंड तक जरूर देखना, और सब्सक्राइब करना ना भूले अपने ओमिटेक रिव्यू चैनल को, और बेल आइकन बजाना भूले। सो गाइस, फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस, और ये रहा अपना मोटो G31 का बॉक्स। तो जैसे मैंने आपको कहा था, ये 3 months का यूज पीस है, फिर मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, आपको बता दो अनबॉक्सिंग कंटेंट्स। तो अप फ्रंट यहाँ हमारे पास है मोटो G31। तो अभी इसकी मैं प्रोटेक्टिव पील निकाल लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो गाइज, ये है मोटो G31, और ये 3 months के यूसेज के बाद का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा येलो स्टेंट आ गया है इसके ये TPU केस केस में, और काफ़ी अच्छे से बैठ जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये एक TPU ट्रांसपेरेंट केस है, और ये रहा अपना मोटो G31। पहले बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये आपको ये स्टिकर मिल जाता है, और यहाँ पे एक फ्लैप मिल जाता है जिसमें कुछ पेपर कंटेंट है हमारे पास, अनबॉक्सिंग गाइड और ये सब क्या क्या। सो वी डोंट नीड दिस, इसको रखते हैं बाजू में। और क्या है, तो बेसिक कंटेंट्स है जो मिलते हैं हमें क्या, जो है ये डेटा USB केबल जो टाइप ए टू टाइप सी मिल जाती है आपको। सो फास्ट चार्जिंग इज देयर इन दिस मोटो G31, और इसमें आपको लास्ट में मिल जाता है ये मोटोरोला का 20 वॉट्स। तो जैसे आप देख सकते हो 20 वॉट्स का ये चार्जर आपको मिल जाता है। तो 20 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ आपको ये मिल जाता है अपना मोटो G31। तो अभी इसमें इसको क्लियर अप करते हैं और ध्यान देते हैं अपने मोटो G31 की तरफ। सो गाइज, ये रहा अपना मोटो G31, ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आ जाता है। तो इसका एक फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो गाइज, यहाँ मिल जाती है 6.3 इंच की एमोलेड स्क्रीन, 60Hz की है, नॉर्मल 60Hz की स्क्रीन, बट इसमें एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है। और राइट साइड में आप जैसे देख सकते हैं पोर्ट्स और बटन्स है, जैसे यहाँ पे ये एक टेक्सचर्ड बटन है। सो ये गाइज आपको मिल जाता है एक पावर बटन जो टेक्सचर्ड है, जो आप फील कर सकते हो, दिस इज अ पावर बटन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, काफ़ी टैक्टाइल है, और एक डेडिकेटेड गूगल बटन भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट बटन है, इसको प्रेस करके आप गूगल असिस्टेंट को फायर अप कर सकते हो। फिर फ्रंट में आपको जैसे मैंने बताया 6.3 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है 60Hz की। यहाँ पे एक फ्रंट कैमरा मिल जाता है आपको, जो है 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रिपल सेटअप मिल जाता है, जो है 50 मेगापिक्सल का एक क्वाड पिक्सल कैमरा, जो हमेशा की तरह अपने मोटरोला के फोन्स में आते हैं वैसे एक क्वाड पिक्सल कैमरा आपको मिल जाता है। तो 50 मेगापिक्सल कैमरा आपको मिलता है। फिर उसके साथ आपको 2+2 का सेटअप मिल जाता है, एक डेप्थ सेंसर है, और एक आपको वाइड एंगल जो बोलते हैं उसको, वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। और यहाँ पे टॉप में आपको जैसे देख सकते हो 3.5mm जैक मिल जाता है, और ये एक सेकेंडरी माइक्रोफोन है। और अभी लेफ्ट साइड देख लेते हो, तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा कुछ नहीं आप देख सकते हो, सिर्फ एक सिम एजेक्टर लाइक मिल जाता है, सिम कार्ड का जो पोर्ट है वो मिल जाता है। तो गाइस, मैं एक बात बताना भूल गया था, हाँ, इसमें आपको सिम एजेक्टर टूल भी मिल जाता है डेफिनेटली। तो ये ऐसा कुछ सिम एजेक्टर टूल है इसके साथ। तो अभी इसको देख लेते हैं। ओके, इसे मैंने निकाल दिया है मोमेंट ऑफ ट्रूथ, और जैसे आप देख सकते हो, ओके गाइस, सो हियर वी हैव दिस। बेसिकली आपको इसमें मिल जाता है हाइब्रिड सॉल्यूशन, तो 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हो SD कार्ड इसमें। और इसमें भी आपको रबर गैस्केट मिल जाता है, तो इसमें आपको IP रेटिंग मिल जाती है। IP रेटिंग मेरे को याद नहीं अभी कौन सी है, बट आपको स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है इसका डिज़ाइन। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये
जो रबर गास्केट है, तो बेसिकली उसकी वजह से इसमें अगर पानी इस पर गिर भी गया, स्प्लैश हो गया, फिर भी ऐसा कुछ इशू नहीं है, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो अभी इसको वापस प्लेस कर देते हैं। गया। ओके। बॉटम में हमें मिल जाता है टाइप सी पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन और एक हमें स्पीकर मिल जाता है। गाइस दैट्स इट, नाउ लेट्स टर्न ऑन दिस बीस्ट। हो गया अपना मोटो जी 31 बूट अप। जैसे आप देख सकते हो, दिस इज द मोटो जी 31 का डिस्प्ले, विच इज फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन, बट दैट्स अ 60Hz स्क्रीन, बट डेफिनेटली वेरी मच ब्राइट और काफ़ी अच्छे कलर्स दिख रहे हैं वॉलपेपर के साथ भी। सो गाइस ये एक बहुत अच्छी बात मैं मोटो के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है, जो आपको ऑलरेडी मालूम है। सेटिंग में जाके देख लेते हैं क्या क्या आपको मिल जाता है अवेलेबल। तो बेसिकली इसके सिस्टम में अगर मैं देखूँ तो आपको सारे फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा अबाउट मोटो जी 31। तो मोटो जी 31 में आपको एंड्रॉयड 11 मिल जाता है, तो एंड्रॉयड 11 और इसका सिक्योरिटी पैच आपको मैं बता दूं तो इसका सिक्योरिटी अपडेट है 1 जून 2022 का। सो काफ़ी रिसेंट अपडेट है, तो इसमें अपडेट्स आते रहते हैं। सो इसमें अगर मैं एंड्रॉयड वर्जन को चेकआउट करूँ तो जैसे आप देख सकते हो दिस इज द एंड्रॉयड 11 और इसमें एंड्रॉयड 12 का भी अपडेट आने वाला है। सो मोटो जी 31 मोटो के टीम ने वेरीफाई किया है, तो नाउ लेट्स वेट फॉर दैट, होप इट विल कम सून। सो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी मैं कम कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा है। ओके तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ है पूरा फोन और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो डिस्प्ले है वो इसका मेन सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है AMOLED स्क्रीन विद फुल HD स्क्रीन। सो लाइक डिस्प्ले के मामले में और बजट के मामले में दोनों में मोटो जी 31 ने टॉप किया है। डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाता है जैसे बताया मैंने, AMOLED स्क्रीन मिल जाती है। तो इसमें एक 4K वीडियो पहले प्ले करके देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो ये कोस्टा रिका वाला वीडियो प्ले करते थे। सो गाइस दिस इज द वीडियो और इसकी क्वालिटी मैं बढ़ा देता हूँ, तो जैसे आप देख सकते हो इसमें मैं 1440p पे ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ। और गाइस इसके कलर्स देखिए कितने नेचुरल से, बिल्कुल भी बूस्टेड नहीं लगते। और ये ऐसे में अगर फ्रेम ड्रॉप्स के बारे में बताऊँ या फिर कलर ड्रॉप्स, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको देख सकते हैं जैसे। स्क्रीन काफी रिफ्लेक्टिव दिख रही है बट काफी अच्छी स्क्रीन है। तो बेसिकली ये मीडिया कंजम्पशन के लिए काफी बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 12,000 के बजट रेंज में, वो भी AMOLED स्क्रीन के साथ। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली दिस इज द फोन विद AMOLED स्क्रीन और ये मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा कर देगा। और इसका स्पीकर भी काफ़ी लाउड है, अगर मैं आपको बताऊँ एक एग्जांपल तो मैं आपको बता सकता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, मैं इस पर एक नॉन कॉपीराइट साउंड प्ले कर देता हूँ। सो गाइस जैसे आपने सुना कि ये इसका स्पीकर भी काफ़ी अच्छा और कैपेबल है। हाँ आपको इसमें सिंगल स्पीकर मिल जाता है बट फिर भी काफ़ी कैपेबल है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कैमरा के बारे में बताने वाला था मैं, तो गाइस इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल कैमरा मिल जाता है, बट फिर भी इसमें परफॉर्मेंस उतनी मुझे नहीं लगी कि उतनी अच्छी है। तो इसका जो स्टॉक कैमरा है वो कुछ इस तरह आपको दिख जाता है। तो बेसिकली आपको इसमें फोटो मोड मिल जाता है, फोटो मोड, वीडियो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट विजन मोड, तो बेसिकली एक नाइट मोड सा मिल जाता है। और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि प्रो मोड है, पैरानोमा मोड है, कटआउट, स्पॉट कलर, सिनेमाग्राफ, लाइव फिल्टर, डुअल कैप्चर। तो काफ़ी आपने पहले भी सुने हुए होंगे ये फीचर्स, अभी काफ़ी सारे फोन में आपको मिल रहे हैं। बट इसमें मेन हाईलाइट ये है कि आपको इसमें टाइम लैप्स और स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, वो भी अंडर 12,000 के बजट रेंज में इस क्वाड पिक्सल कैमरा के साथ। एनीवेज गाइस ये स्पॉट कलर जो फीचर है ये काफ़ी हैंडी फीचर है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड में ये यूट्यूब का ये जो का मग है उसके बारे में, उसको अगर मैं फोकस में लूँ और ये इस रेड कलर को मैं फोकस में रखूँ
तो जैसे आप देख सकते हो ऐसे मैंने फोकस में रखा और ये फोटो आ गया। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ ये यूट्यूब का प्ले बटन देख सकते हो रेड में है, बाकी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो इसमें आप अलग अलग प्ले, यू कैन प्ले अराउंड, डेफिनेटली आप अपने हिसाब से अलग अलग मोड्स यूज कर सकते हो। और फिर इसके बाद आपको ये डुअल कैप्चर मोड मिल जाता है, ये मैंने अपने पिछले रियलमी 8 प्रो के वीडियो में बताया था। तो ये आपको फिंगर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों में आपको ऑप्शन दे जाता है, लाइक दोनों में आपको वीडियो बना सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो बाकी सब तो आपको पता ही है। तो इसके बारे में आपको मैं प्रॉपर अच्छे से बताने वाला हूँ अलग अलग कैप्चर्स करके इसके स्टॉक कैमरा। और इसमें मैंने ये इसमें गूगल टू API सपोर्ट मिल जाता है। तो इसमें मैंने ओपन कैमरा का भी ऐप, थर्ड पार्टी कैमरा ऐप डाउनलोड करके रखा है, तो इसको भी ये सपोर्ट करता है। और मैंने ये नोटिस किया कि ओपन कैमरा में काफ़ी अच्छे पिक्चर्स लेता है। तो बेसिकली ये जो 50 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल कैमरा है ये काफ़ी केपेबल है, बट जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है मोटो के एंड्रॉयड लाइक ये खुद के फ़ोन की, वो काफ़ी इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके वजह से वो जो लिमिटेशन ज़्यादा आते हैं पिक्चर क्वालिटी पे, वो उसकी वजह से वो काफ़ी इतना एकदम इंट्यूएटिव अच्छा नहीं लगता है यार। तो डेफिनेटली आप ओपन कैमरा यूज कर सकते हो अगर आप मोटो G31 लेना परचेस करना चाहते हो। डेफिनेटली मैं आपको सारे सैंपल्स शेयर कर देता हूँ अभी आपके स्क्रीन पे, ये इसके ओपन कैमरा मतलब ये थर्ड पार्टी कैमरा और इसके स्टॉक कैमरा के भी, तो आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें ये फ़ोन परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, ये बेसिकली है एंटरटेनमेंट बेस्ड। लाइक अगर आप मल्टीमीडिया ज़्यादा कंज्यूम करते हो और आपको अच्छी बैटरी चाहिए तो डेफिनेटली कैन गो फॉर दिस मोटो G31। सो गाइज दैट्स इट ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा ये हमारा मोटो G31 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक ताकि उनको भी पता चले कौन से बेस्ट बजट रेंज में आपको मिल जाता है ये मोटो G31। लाइक अंडर 12,000 के बजट रेंज में आपको ये अच्छा कंपटीटर बोल सकता हूँ मैं, बेस्ट बजट फोन अंडर 12,000, क्योंकि इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है वो आपको मैं अभी कंक्लूजन में बता देता हूँ। सो बेसिकली कुछ प्रोज है और कॉन्स है मेरे हिसाब से, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो है बेसिकली इसका एमोलेड डिस्प्ले बहुत सही है, तो प्रोज में पहले आपको बता देता हूँ। तो एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है आपको इसमें, वो भी अंडर 12,000 के बजट रेंज में, और इसके साथ आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है इसमें। तो काफ़ी अच्छा वेल मैनेज फोन है और इसमें 5,000 mAh की बैटरी मिल जाती है, बिगर बैटरी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बैटरी लाइफ आपको अच्छी मिल जाती है। फिर उसके बाद इसमें 20 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। सो बेसिकली लाइक अंडर 12,000 के बजट रेंज में फास्ट चार्जर इज़ वेरी वेल गुड। लाइक सैमसंग भी उसके बजट रेंज में सिर्फ 15 वॉट ही प्रोवाइड करता है, या फिर एनी अदर ब्रांड, मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, बट फिर भी 15 वॉट या 10 वॉट का ही चार्जर मिल जाता है आपको अंडर 12,000 के बजट रेंज में। तो इसमें आपको 20 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा है, बट दैट्स इट फॉर द प्रोज। और फ्रॉम द कॉन्स आई कैन से दैट इसके कैमरा की परफॉर्मेंस इज नॉट दैट अप टू मार्क। 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है आपको, फिर उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। क्वाड ट्रिपल कैमरा है बट थोड़ा अंडर केपेबल है, बट जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि इसमें आप अगर ओपन कैमरा या फिर गूगल कैमरा यूज़ करोगे तो क्वालिटी काफ़ी एनहांस हो जाती है। सो देर इज़ अ सोल्यूशन फॉर दैट, और आई गेस आगे फ्यूचर अपडेट्स की वजह से कैमरा और अपग्रेड बेटर हो सकता है, तो डेफिनेट दैट्स अ गुड थिंग। सो गाइज दैट्स इट, लाइक अभी मेरा रिव्यू खत्म हो चुका है, तो दैट्स इट गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मैंने आपको बता दिया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले अपने ओमिटेक रिव्यू चैनल को और बेल आइकन बजाना ना भूले। तो गाइज अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू में, टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।